तो तालिबान ने इलेक्शन कमीशन को हटा दिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन उसे डिसॉल्व कर दिया गया है, तालिबान गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान में उनने, ठीक है, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं कौन है, बिलाल करीमी, इनने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कमीशन की और उसको एग्जिस्ट करने की या काम करने की, ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सब कुछ सही से चल रहा है ना। तो ऐसे इस कमीशन, इलेक्शन कमीशन जैसे किसी कमीशन की हमें भैया ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें कभी लगा, कभी कभी लगा कि ज़रूरत है तो हम वापस ले आएंगे, पर अभी के लिए नहीं चाहिए, एकदम ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब सही बात है, क्रिकेट मैच में अंपायर की ज़रूरत थोड़ी है। हाँ आईपीएल में ज़रूरत नहीं है ना नहीं आईपीएल में ज़रूरत है, कुछ करते नहीं वो अलग बात है, बट ज़रूरत है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया, और चीज़ें बोली, हाँ और भी चीज़ें बोली। जब इनसे पूछा गया कि भैया ऐसे आपने क्यों कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बात सब सही चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है, और हमने दो डिपार्टमेंट्स और हैं जिन्हें उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, हटा दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। कौन से हैं वो दो डिपार्टमेंट? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पीस, जनमिन खांसी थी, ठीक है, जनमिन खांसी है। हाँ तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पीस, हाँ पीस वैसे बहुत ज़्यादा है तो एक मिनिस्ट्री ऑफ पीस करके कुछ ज़रूरत है नहीं, पीस ही पीस है वहाँ पे एकदम। तो सेकेंडली दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हाँ मतलब सब सही चल रहा है, गवर्नमेंट पूरा एकदम इलेक्टेड एकदम आई है गवर्नमेंट, तो क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी, और सब सही चल रहा है तो पीस की भी नहीं है, है ना। तो इलेक्शन कमीशन को बेसिकली हटा दिया, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है।